यादें बस कुछ ही देर में संबोधन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हम सभी के प्रेरणा स्रोत और फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। पर हम सब स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंच पर विराजमान बेणेश्वर धाम के महंत संत श्री अच्युतानंद जी महाराज, मानगढ़ धाम धूणी के महंत श्री रामचंद्र जी महाराज और शिवगंगा झाबुआ के संस्थापक पद्मश्री आदरणीय श्री महेश जी शर्मा, बांसवाड़ा डूंगरपुर के माननीय सांसद श्री कनकमल जी कटारा, दाहोद लोकसभा के माननीय सांसद श्री जसवंत सिंह भामोर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सदस्य श्री फगन सिंह जी कुलस्ते साहब, सभा में उपस्थित आदरणीय और सम्मान्य सभी संतगण, राजस्थान और गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसद विधायक और वरिष्ठ अधिकारीगण एवं इस सभा में उपस्थित राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश से आए हुए देवतुल्य आदिवासी भील समाज के माताओं बहनों बंधुओं नौजवानों भाइयों और पत्रकार साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस भूमि को वंदन करने के लिए आए हैं, इस भूमि को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गोविंद गुरु की जो तपस्या थी, उनका जो त्याग और बलिदान था, 1500 से अधिक आदिवासी भाइयों का यहां जो बलिदान हुआ था, उसको वंदन करने आए हैं हम। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। 17 नवंबर 1913 गोविंद गुरु के नेतृत्व में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1,10,000 भील समाज के लोग इकट्ठे हुए थे हवन के लिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1,40,000 लोग इकट्ठे हुए थे, और अंग्रेजों ने कहा कि अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, लगान दीजिए। उन्होंने कहा हम लगान नहीं देंगे। ये अपने किस्म का एक सिविल डिसओबीडियंस जैसा एक आंदोलन था। 1913 अंग्रेजों ने 7 कंपनियां लगाई, एक पहाड़ी पे अंग्रेज थे, दूसरी पहाड़ी पे गोविंद गुरु के नेतृत्व में पूर्णिमा के दिन हवन करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे अपने गुरु की श्रद्धा के लिए, निहत्थ लोगों पर। ये कहने के कारण कि हम लगान नहीं देंगे, बेकार नहीं करेंगे, आपका राज यहां क्यों नहीं रहना चाहिए, ये आजादी का आंदोलन जैसा आंदोलन था। उस समय गोलियां चली, 1500 से ज्यादा भील समाज के लोग बलिदान हो गए इस देश के लिए। ये शुभ अवसर है हमारे लिए नमन करने का इस माटी का, और आप सब पधारे हो इसलिए आपको भी नमन करने का शुभ अवसर है। मुझे अच्छी तरह से याद है प्रधानमंत्री जी कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आपने 75 मंत्रियों को 13, 14, 15 अगस्त को विभिन्न स्थानों पर भेजा था, आइकॉनिक प्लेस। मेरी ड्यूटी आपके निर्देशानुसार यहां लगी थी, मैं 13 अगस्त 22 को इस पवित्र मानगढ़ पर आया था, और जब मैं यहां झंडारोहण कर रहा था, तिरंगा फहरा रहा था, कुछ गांव में भी गया था, और गांव के लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का स्मृति वन महोत्सव यहां 30 जुलाई 2012 को यही किया था, पेड़ भी लगाया था, काफी पेड़ लगे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी यहां आकर के देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आज प्रधानमंत्री जी हमारी बात मान ली, इसलिए पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में
अनसंग हीरोज को मान और सम्मान देने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है। संस्कृति मंत्रालय को विशेष जिम्मेदारी दी है कि देश में जहां जहां अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको स्थान नहीं मिला, उनको प्रॉपर स्थान मिले, प्रॉपर मान सम्मान मिले, वर्तमान पीढ़ी उनके बारे में जाने, भावी पीढ़ी भी जाने, इसके लिए आज का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी, पुनः आपका स्वागत करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए, मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की, गोविंद गुरु की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश